हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं रामवीर राजपूत, स्वागत कर रहा हूं आपका जीमेट पर। इस समय पर आप देख रहे हैं बहुत ही बेहतरीन क्लास। एक बार शेयर कर दो क्लास को, जो दोस्त हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं एक बार जल्दी से शेयर करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन हमारा शुरू हो चुका है इस समय पर, और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जिससे पूछे जाते हैं कार्बोरेटर के बारे में। चलिए बात कर रहे हैं हम। पहले नंबर पर अपनी बात बता दें कि एएलपी एंड टेक्नीशियन का कंप्लीट कोर्स जो कि आपका 4999 का है, इस समय ऑफर में आप ये कोर्स बहुत ही कम प्राइस में 1499 में परचेस कर सकते हैं ना। इसमें इतना ही पे करना रहेगा, टिल एग्जाम वैलिडिटी रहेगी, बायलिंगुअल क्लास रहेगी, सारी 8 घंटे रेगुलर क्लासें रहेंगी, लाइव क्लास, प्री रिकॉर्डेड बैच भी आपको इसमें गिफ्ट कोर्स के रूप में मिलेगा। काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। नागौर, आला जाट, संजय, गौतम, नरेंद्र, राघवेंद्र, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छे, काफ़ी सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय पर। चलिए अगले पॉइंट पर चलते, अगली बात बताते हैं भाई। एक बैच हमारा क्या है, स्पेशली बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग ड्राइंग का बैच है। ये बैच आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 499 में, 499 रुपये में, है ना। इसके साथ साथ फिजिक्स न्यूमेरिकल का बैच भी अवेलेबल है। इसकी प्राइस केवल और केवल 399 रुपये है, जिसमें केवल न्यूमेरिकल पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आज जो बात कर रहे हैं कार्बोरेटर की बात कर रहे हैं, तो चलिए हम कार्बोरेटर की तरफ चलते हैं। कार्बोरेटर कार्बोरेटर है ना, ठीक है। देखिए पहले नंबर पे हम इसकी बात करते हैं सिद्धांत की, ये सिद्धांत किस पर काम करता है ना, कहाँ उपयोगी है, उपयोगी है, उपयोगी कहाँ है ये, तो ध्यान रखिएगा सभी SI यानी स्पार्क इग्निशन इंजन में लगा होता है, लगा होता है, होता है। कार्य क्या काम करता है, कार्य क्या करता है, ईंधन को, ईंधन को छोटे छोटे कणों में तोड़कर, ईंधन को छोटे छोटे कणों में तोड़कर उसे वाष्पित करना, ये इसका काम है, पहला काम। दूसरा, ईंधन की मात्रा को नियंत्रित करना, त्रित करना, ये भी इसका काम है। ये सारे इसके क्या हैं, वर्क हैं। एक बार शेयर करो उन दोस्तों को जो सो दोस्त अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, एक बार जल्दी से बताओ, सारी चीजें आपके लिए क्लियर हैं। हाँ, पेट्रोल में यूज किया जाता है। अब इसकी बात करते सिद्धांत, सिद्धांत तो ये कार्बोरेशन के सिद्धांत पर काम करता है, कार्बोरेशन के सिद्धांत पर, के सिद्धांत पर रहेगा, है ना, कार्बोरेशन के सिद्धांत पर प्रिंसिपल काम करेगा। चलिए बताते हैं कार्बोरेशन का प्रिंसिपल क्या होता है। कार्बोरेशन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कार्बोरेशन। देखो अगर आपके घरों में आपने एक पुराने टाइम में आपने देखा हो कॉकरोच वगैरह को मारने के लिए, आजकल तो स्प्रे आ गए, पहले ये कुछ इस प्रकार की एक मशीन हुआ करती थी, पंप हुआ करता था एक, है ना, इस तरीके का एक पंप रहता था और इस पंप का पॉइंट यहाँ खुलता था और इसमें इस तरीके का आपका रहता था। बोलो हाँ या ना, देखा है नहीं देखा है। और इसके अंदर पूरे में ऑयल जो भी लिक्विड होता था वो आपका भरा रहता था, ये आपका पूरे में लिक्विड जो है आपका पहले से भरा हुआ है। अब ध्यान समझना, यहाँ पर बात यहाँ से शुरू होती है, ध्यान समझो। इसके अंदर हम एक डाल देंगे स्ट्रिप, इस प्रकार की स्ट्रॉ बोलते हैं ना, वो डाल देंगे, है ना, ये डाल देंगे। 2 सेकेंड में आपको दूसरे कलर, एक हमने इस तरीके की रॉड डाल दी, छोटी सी रॉड डाल दी,
ये रॉड क्या काम करेगी, ध्यान समझो। ये देखो भाई, जैसे ही आप इसमें पंप से हवा चलाएंगे, बहुत तेज स्पीड से जैसे ही आप हवा चलाएंगे, तो हवा जैसे ही इसके पास से निकलेगी, तो ऑटोमेटिक इसके अंदर से पेट्रोल की छोटे छोटे बूंदें बाहर निकल के आ जाएंगी, और इसके साथ हवा के साथ ये क्या हो जाएंगी, प्रॉपर वे में वेपोराइज हो जाएंगी, भाप बन जाएंगी, वेपोराइजेशन होना शुरू हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ तो क्या था, केवल यहाँ क्या है, केवल यहाँ से क्या जा रही है, केवल हवा जा रही है ना, यहाँ से केवल हवा जा रही है, हवा, और ये क्या है आपका पेट्रोल, इसके अंदर से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ, इस तरीके से ये क्या है, पेट्रोल। पेट्रोल हवा की क्या बन गई, एक प्रकार से भाप बन गई, आपने ये देखा होगा है ना, ये है कार्बोरेशन का सिद्धांत। ध्यान रखना, यहां हवा की जितनी ज्यादा स्पीड होगी, जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ही ज्यादा पेट्रोल की मात्रा भी बढ़ती चली जाएगी, रेशियो बराबर बनेगा। अगर आपने आज के समय में देखा हो, अगर आपने आज के टाइम में देखा हो, तो आपके आसपास स्प्रे पेंटिंग होती है, स्प्रे पेंट होता है, तो ये स्प्रे पेंट भी इसी टेक्निक पर आजकल होने लगा है, ठीक है, गाड़ियों पर पेंट, स्प्रे पर, सभी तरीके। सर प्लीज 7 बजे वाली क्लास स्टार्ट करेंगे बेटा, वो भी स्टार्ट कर देंगे, पहले इसको कंप्लीट कर लें फिर उसको भी स्टार्ट कर दें, बेफिक्र रहिए ना, घबराओ मत, टेंशन ना लो। ये सारा का सारा कार्बोरेशन का ये क्या है, आपका प्रिंसिपल है भाई, इसको समझाना ज़्यादा जरूरी था, समझा दिया मैंने है ना। इसके साथ साथ अब अपन चलते हैं कार्बोरेटर पर, अब हम पूरी मशीन समझते हैं कार्बोरेटर कैसे काम करेगा। तो कार्बोरेटर देखो भाई, यहाँ पर देखो सबसे ऊपर की साइड रहेगा एयर हॉज, एयर हॉज है ना, ये ऊपर की साइड रहेगा एयर हॉज, एयर एयर हॉज। इसके ऊपर आप मान लो कि आपका यहां पर लगा हुआ है, यहां पर आपका लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, एयर क्लीनर, ये क्या लगा हुआ है, एयर क्लीनर, क्लीनर, ठीक है, थोड़ा सा सीधी करें लाइन है ना। अब ध्यान समझना, अब पॉइंट टू पॉइंट समझना, ये है वेंचुरी नली, ये है वेंचुरी नली, वेंचुरी नली इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं वेंचुरी नली, री नली, ये क्या काम करेगी, वायु के दाब को बढ़ाना, वायु के दाब को बढ़ाने का काम करेगी। यहां पर इस जगह पर एक वाल्व लगेगा, इसे कहते हैं चौक वाल्व, चौक वाल्व, चौक वाल्व। यहां पर आपका एक लगेगा नोजल, ये रहेगा नोजल, और नोजल लगेगा, नोजल जो जाएगा आपका, ये लीजिए ये नोजल जाएगा आपका, ये फ्लोटर चैम्बर है भाई, देखना ये नोजल रहेगा, और नोजल के बाद में ये फ्लोटर चैम्बर भी आएगा यहाँ पर। 2 सेकंड, मुझे बनाने में थोड़ा सा समय लगता है, देखो आप भी जानते हो, लेकिन फोटो जो मैं बनाऊंगा अपने हाथ से उसी से आपका जो है माइंड सारा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। देखना ये आपका यहाँ से सारी चीजें आपकी इसी से क्लियर होंगी यहाँ पर है ना। ये पेट्रोल टैंक, टैंक कौन सा टैंक, पेट्रोल,
और यहां पर लगती है एक प्रेशर कैप, प्रेशर कैप, ठीक है, ये आपका यहां देखो इसके अंदर यहां से ये देखिए यहां पर आपका लगेगा एक, यहां पर एक छोटा सा पॉइंट और आएगा एयरपोर्ट। एयरपोर्ट बनाने से पहले मैं एक चीज बनाना भूल गया आप लोगों के लिए, वो बना दूं मैं आपका, ये थोड़ा अलग ही स्केच से बनाता हूं मैं ताकि आप समझ जाएं कि ये क्या है। ये है थ्रोटल वाल्व। अब ये कैसा होता है वर्किंग कंडीशन समझाऊंगा तब समझ में आएगा, अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने आपका अब 2 सेकेंड ये हो गया फोटो, 2 सेकेंड रुकना, बड़ा देखिए मैंने आपके सामने फोटो बना दिया, डिजाइन बना दिया पूरा, है ना। थोड़ा सा टाइम लगता है चीजें बनाने में लेकिन एक बार बन जाती है तो फिर दिक्कत नहीं आती। देखो अब यहां पर आएगा आपका इनलेट वाल्व और यहां पर आएगा आपका एग्जॉस्ट वाल्व, है ना। इनलेट और इनलेट वाल्व मैंने आपका जोड़ दिया और 2 सेकेंड रुकना, बोलो सर। इधर ध्यान देंगे, इधर देखो समझना। अब यहां से मैं समझाना शुरू कर रहा हूं, इससे पहले मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूं एक बार और ताकि मैं चीजों को आपको चलता हुआ नजर दिखा सकूं, है ना, क्योंकि मुझे कॉपी पेस्ट करने बिना समझाने में टाइम लगेगा, है ना। मैंने वैसे तो सारी चीजें बना ली। अच्छा 2 सेकंड रुकना, दो सेकंड, कुछ चीजें और रह रही हैं वो मैं कंप्लीट और कर लूं। ये पेट्रोल भरा हुआ है यहाँ टैंक में, ये पेट्रोल टैंक पूरा भरा हुआ है। यहाँ से पेट्रोल इस रास्ते से होता हुआ यहाँ से निकलेगा, यहाँ से पेट्रोल का रास्ता एक ये है, एक पेट्रोल का रास्ता ये है, और यहाँ से जो है आपका हवा, हवा अगर इसमें दिख जाए तो अच्छी बात है, हवा, ये हवा का रास्ता, ये हवा, 2 सेकंड रुकना, यहाँ से ये हवा आ रही है, देखो ये हवा आ रही है, 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 ठीक है। यहाँ पर ये पूरी हवा क्या होगी, कंप्रेस हो जाएगी, बोलो, और यहाँ से ये हवा और यहाँ से कुछ मात्रा में क्या होगा, पेट्रोल, पेट्रोल जो है यहाँ से छोटे छोटे कणों में एयर प्लस पेट्रोल, पेट्रोल प्लस एयर, है ना, एयर प्लस पेट्रोल यहाँ पहुँचेगा। ये पूरा मैंने आपका बना लिया है और आई होप मेरे हिसाब से इसमें अब कुछ छूट नहीं रहा है, हाँ छूट रहा है, एक स्क्रू छूट रहा है यहाँ पर, दो से
एक स्क्रू छूट रहा है, मैं दूसरे कलर से बना दूं, कोई और कलर है भी नहीं मेरे पास। दिखेगा ये कलर, देखना जरा, ये मैंने एक स्क्रू बनाया है ना, 2 सेकेंड। ये है, ये है स्प्रे सेटिंग स्क्रू, ये है स्प्रे सेटिंग स्क्रू, स्प्रे सेटिंग स्क्रू है ना। लिख देता हूँ यहाँ नाम, नहीं तो भूल जाओगे आप लोग। स्प्रे या इसको कहते हैं आइडियल, आइडियल स्पीड सेटिंग स्क्रू, आइडियल स्पीड सेकेंड सेटिंग स्क्रू है ना। और इसे बोलते हैं, इस वाली जगह को बोलते हैं चौक सर्किट, चौक सर्किट है ना। इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं नोजल या मैन जेट। मैं लिखता लिख इसलिए रहा हूं क्योंकि परीक्षा में इनके नाम डायरेक्ट आपको यही लिखेंगे मिलेंगे। मैन जेट, जेट कई जगह इसको नोजल भी बोल दिया जाता है, नोजल ठीक है, मैन जेट या नोजल ठीक है। अच्छा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी नाम मेरे को यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ये नाम मैं आपको चलो यहाँ पर लिख देता हूँ। ये है थ्रोटल वाल्व, एक चीज और यहां लगेगा, थ्रोटल वाल से एक स्प्रिंग जुड़ी होती है, एक स्प्रिंग जुड़ी होती है, और ये स्प्रिंग क्या होती है, आगे जाती है, और ये आपका स्पीड कंट्रोलर, स्पीड कंट्रोलर, स्पीड कंट्रोलर। और ये थ्रोटल वाल्व, ये तीसरे नंबर का वाल्व होता है, पहले नंबर का इनलेट होता है, दूसरे नंबर का एग्जॉस्ट होता है, तीसरे नंबर का ऐसा ही इंजन के अंदर थ्रोटल वाल्व रहता है। अब मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूँ ताकि अब आपको समझाने में मुझे दिक्कत ना आए। कहाँ क्लास अब यहाँ से शुरू हो रही है, एक बार सभी बच्चे लाइक कर दे, मुझे कंप्लीट कोर्स लेना है डीजल मैकेनिकल, मिल जाएगा बेटा, आप बेफिक्र रहिए, आप एप्लीकेशन के अंदर जाएँ, वहाँ से जा करके ले लें। इधर ध्यान दो, अब क्योंकि फोटो बन के कंप्लीट हुआ है, यहाँ से एग्जाम में तीन चार क्वेश्चन नॉर्मल है, मिलेंगे 200% मिलेंगे, इसको कोई भी नहीं मिटा सकता है क्योंकि ये इससे क्वेश्चन भरे पड़े अगर आप प्रीवियस ईयर लगाते हैं तो। और आज आपको सारे सारे क्वेश्चंस के जवाब, काफी सारे क्वेश्चंस के क्या मिल जाएंगे, जवाब मिल जाएंगे आज, है ना। चलिए बताता हूँ मैं आपको, चीजों को समझाता हूँ, ध्यान समझो। बात चल रही है हमारी कार्बोरेटर की, कार्बोरेटर हमारा क्या काम करता है, पेट्रोल हवा का मिश्रण बनाता है और निश्चित अनुपात में बनाता है। वह अनुपात कितना होता है, सबसे पहले उस अनुपात को अपन क्लियर कर लें, वो होता है अनुपात पेट्रोल हवा का अनुपात। अगर इंजन ठंडा है, ठंडा इंजन है तो 1:9 का, ठीक है। अगर इंजन लोड वाली स्थिति में, लोड वाली या चढ़ाई वाली वाली स्थिति में है तो 1:9 से स्टार्ट होगा 1:12 तक का। ये बोला सर 1:9 क्यों लिखा, अरे ज़्यादा लोड होगा तो 1:9 का और कम लोड होगा तो 1:12 का। उच्च दक्षता, कम ईंधन खपत, खपत
उच्च दक्षता, कम ईंधन खपत, रासायनिक दृष्टि से सर्वोत्तम, रासायनिक दृष्टि से सर्वोत्तम, सामान्य गति, गति इसमें क्या रहेगा? इसमें रहेगा 1:15 का, और पहला दूसरा तीसरा ये होता है, तीसरे में काफी सारी चीजें आती है, चौथे में क्या रहेगा? उच्च गति पर प्राप्त मिश्रण, ये कितना रहेगा? 1:16 का। 1:18 जब मिलेगा तो वाल्व विहीन संरचना हो जाएगी, वाल्व विहीन संरचना, विहीन संरचना, वाल्व विहीन संरचना से प्राप्त होगा, और बहुत ज्यादा गर्म होके इंजन चलेगा, इंजन के भाग पिघल जाएंगे, तो 1:18 जो है वर्किंग ऑर्डर में नहीं होता है ना। 1:18 का उपयोग, 1:18 का जो है उपयोग कभी भी नहीं किया जाता, क्योंकि वाल्व विहीन संरचना से प्राप्त होगा ये। और ये क्या नाम है आपका? बस केवल आपको ऊपर की तीन चार तीन जो है ये चार याद रखने हैं, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है? अब देखो, अब इधर आ जाओ, अब समझाने के लिए, समझने के लिए सभी लोग तैयार हैं? एक बार यस बोलो, यस बोलो जल्दी से, समझने के लिए सब तैयार हैं क्या? सर मुझे ALP का बिल्कुल मिल जाएगा बेटा, मुझे MMB का चाहिए बेटा, MMB का भी मिल जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। इधर आ जाइए आप, देखिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग में ये, सर ये ऐड हटा रहा है, एक बार को थोड़ी सी देर के लिए हटा दो, है ना? इधर ध्यान दो, सबसे पहले आपको इस पर आना है, पिस्टन पे आना है, पिस्टन। बोला सर आ गए, बोला सर ये तो TDC से BDC चलेगा भाई, TDC से कहाँ जाएगा? BDC जाएगा भाई, इस तरीके से चलेगा। बोला ठीक है, अब मैं आपसे बोल रहा हूँ पिस्टन को ऊपर से नीचे लेकर के आओ। बोला सर नीचे लेकर के आ रहे हैं, नीचे लेके आए हैं तो ये कुछ सक्शन करेगा सर, सक्शन, ठीक है सर सक्शन करेगा भाई, सक्शन का काम होगा। जब पिस्टन TDC से कहाँ जाएगा? BDC जाएगा, सक्शन जाएगा भाई, हवा कहीं ना कहीं से तो आएगी, तो हवा का प्रेशर, यहाँ से हवा आएगी, हवा यहाँ से भी नहीं तो यहाँ से तो हवा आएगी, सही, ऊपर की साइड से हवा आएगी, बड़ा छेद यही वाला है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। देखो हवा यहाँ से आएगी, 1, 2, 3, 4 और ये 5, 5 हवा की मैंने लाइनें खींच दी, हवा यहाँ से प्रवेश करेगी, बोलो यस या नो, समझ में आई इतनी बात? हवा जब यहां से प्रवेश करेगी तो इसके अंदर जाएगी। अभी देखो ये वाल्व जो है अभी खुला हुआ है, अगर मैं इसकी बंद होने की स्थिति बता दूं आपको, अगर मैं इसकी बंद होने वाली स्थिति बता दूं तो, 2 सेकेंड रुकना, अगर मैं इसकी बंद होने वाली स्थिति बताऊं तो, अगर बंद होने वाली स्थिति बताएं तो ये बंद हो जाएगा भाई। अभी बंद, बोला सब बंद करके बताओ, देखो मैं अभी आपको बंद करके बता देता हूँ ना, चौक वाल्व बंद भी हो जाता है ना, ये देखो ये बंद हो गया, ये लो बंद हो गया। बोला अभी कैसा है भाई? बोला अभी तो सर खुला हुआ है, इधर ध्यान दो, अभी खुला हुआ है, खुला है तो हवा जाने देगा, बंद है तो हवा को रोक लेगा, तो हवा को क्या करेगा? हवा को रोक लेगा, हवा रुकी रहेगी यहाँ पर, ये हवा अंदर नहीं जा सकती, 1, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है? हवा देखो, देखो इधर बंद कर देंगे तो रुक जाएगी हवा, बोलो हाँ या ना, बंद कर देंगे तो हवा रुक जाएगी जाने से, बिल्कुल बात सही है। देखो इधर आ जाओ, हवा यहाँ से आ रही है, बिल्कुल सही बात है, हवा इसके चारों तरफ से होकर के यहाँ स्क्वीज हो रही है, यहां से हवा एकदम से यहां पर एकदम कब मतलब प्रेशराइज हो गई। आपने देखो पानी का पाइप होता है ना, उसको उंगली लगा लो आगे की साइड, तो क्या होता है इसकी पिचकारी तेज हो जाती है। बोलो हाँ या ना, देखा है नहीं देखा है? ऐसा कौन बच्चा है जिसने ये चीजें नहीं देखी है? बोला सर ऐसा कोई भी नहीं है, हमने बहुत खेल खेले हैं, ठीक है चलिए आगे चलते हैं। देखिए हवा यहां से आके स्क्वीच होगी, यहां से आके एकदम से तेजी से आई और यहां स्क्वीच होगी, प्रेशर बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बोलो सर बढ़ेगा, बिल्कुल सही बात है बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो देखो यहाँ नोजल है नहीं है नोजल, अब नोजल देखो, अब आप इधर आ जाओ कार्बोरेशन के सिद्धांत पर आ जाओ, बोलो इधर ध्यान दो, ये बताया था नहीं बताया था? प्रेशर से हवा आएगी तो
तो यहां से अंदर से पेट्रोल को खींच करके बाहर ले जाएगी। बोलो सही बात है सर। देखो जैसे ही ये नोजल के पास, अब नोजल आपको ऐसा दिख रहा होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा खुला हुआ है, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए ऐसा लगाया है, ठीक है, ऐसा मैंने दिखाने के लिए लगाया, ऐसा है। जैसी हवा इससे टकराएगी, तुरंत ये हवा अपने साथ दहेज में पेट्रोल को भी ले जाएगी। बोलो आ या ना, और हाँ या ना, आगे पेट्रोल हवा ने खींच, पेट्रोल हवा ने खींच लिया। अब इसके खींचने की दर कितनी होगी, जरा इसको कंसंट्रेट करो भाई, इसको पेट्रोल को खींचने की दर कितनी होगी, जरा ये दो सोचो जरा दिमाग में। तो इस पेट्रोल खींचने की दर उतनी होगी जितनी तेज स्पीड से पिस्टन जाएगा, ठीक है। अच्छा एक आपको ये दिख रहा होगा थ्रोटल, पत्ती जैसी दिख रही होगी, पत्ती नहीं है ये, मैं आपको बताता हूं, थ्रोटल मतलब पत्ती नहीं है, थ्रोटल कुछ इस प्रकार से रहता है, देखना थ्रोटल ऐसा रहता है भाई, जो मैंने आपको दिखाया ना, जो मैंने आपको ये बनाया ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, है ना, इसका टॉप व्यू देखो गोलाकार होगा, ठीक है, इस गोलाकार के अंदर मैंने एक पत्ती फंसा रखी है, अगर ये आधा खुला है तो ऐसा, अगर ये ज्यादा खुला हुआ है तो ये ऐसा, ठीक है, और अगर ये आपका पूरी तरीके से बंद है तो ये ऐसा पूरी तरीके से। देखो मैंने इसके अंदर एक, अगर मैं इसके अंदर ऐसी लाइन खींच दूं तो गोल आकार की जो डिस्क है वो आपको ऐसी दिखाई देगी और हो जाएगा ये बंद, क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा ना। बंद वाली स्थिति क्या है भाई, बंद वाली स्थिति है ये वाली, बोलो यस या नो। देखो ये बेलनाकार चीज, गोलाकार चीज है जो इसके अंदर मैंने ऐसी लगा दी, तो ये क्या हो जाएगा, बंद, बंद होगा या नहीं होगा। अगर यही गोलाकार चीज थोड़ी तिरछी करके लगा दूं, हल्की सी थोड़ी सी तिरछी करके लगा दूं, तो ये थोड़ा तिरछा तिरछा दिखाई देगा इस तरीके का। तो आप क्या समझे, आप क्या समझे कि भाई मैं कर क्या रहा हूं यहां पर, ये हवा को रोकने, बंद और चालू करने का काम कर रहा है। यहां पर हवा और पेट्रोल का मिश्रण आया, यहां हवा और पेट्रोल का मिश्रण इसके अंदर पहुंच गया, और हवा और पेट्रोल का मिश्रण इसके अंदर पहुंच गया, तो स्पार्क प्लग ने क्या लगा दी भाई साहब, चिंगारी लगा दी, क्या लगा दी, चिंगारी। और चिंगारी से आगे का प्रोसेस आप सब जानते हैं, इसको मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। एक बार जल्दी से थम्सअप करो, जितने बच्चे अभी क्लास को देख रहे हैं जल्दी से थम्सअप करो, बताओ यस या नो, यहां तक समझ में आया नहीं आया, ठीक है, यहां तक समझ में आया, समझो। तो यहां से पेट्रोल हवा का मिश्रण खिंचता हुआ और यहां तक पहुंच गया, पहुंच गया तो आगे जाकर प्रोसेस आपका चालू हो जाएगा। अगला पॉइंट पर समझो, अगर मुझे गाड़ी की स्पीड को स्लो करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे गाड़ी की स्पीड को क्या करना है, स्लो करना है, ठीक है, स्लो करने के लिए मैं इस थ्रोटल वाल्व को कंट्रोल करूंगा, और ये थ्रोटल वाल्व मेरे हैंड, मेरे हाथ पे दिया हुआ, अगर मैं इसको खींचूंगा ना तो ये क्या होगा, अभी देखो ऐसा थोड़ा तिरछा दिख रहा है, ऐसा होगा, है ना, ऐसा 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 होगा, बोलो हाँ या ना। अगर ये ऐसा ऐसा होगा तो ध्यान सुनना, ये वाली स्थितियां बनेंगी। अगर मैं इसको बोलूं कि भाई ये पूरा खुला, ईडी तो पड़ी होगी भाई थोड़ी बहुत, भाई ईडी पड़ी है नहीं पड़ी है, अगर ये पूरा गोल हो जाए तो ओपन है, ये क्या है, सेमी ओपन है, और ये क्या है, क्लोज है। तो ये तीन स्थितियां बनाएगा ये, ठीक है, तीन स्थितियां बनाएगा, तीन भी बना सकता है, चार भी बना सकता है, वो आपकी थ्रोटल की खींचने के ऊपर है, जितना आप खींचोगे उतना तेज स्पीड से उतनी हवा और पेट्रोल का मिश्रण अंदर ज्यादा सक्शन होगा, और जितना कम करोगे उतना कम होगा, इसके खींचने के ऊपर है। अब इधर ध्यान दो, थ्रोटल वाल्व इस पेट्रोल और हवा की मात्रा को कंट्रोल कर रहा है। अब ध्यान सुनना, आपने एक्सीलेटर खींचा, इसको पूरा युद्ध कर दिया आड़ा, तो इसके चारों तरफ से हवा क्या हो रही है, जा रही है, बोलो यस या नो, ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे। सर मुझे एएलपी डीजल मैकेनिक का कोर्स लेना है, बेटा मिल जाएगा, एक बार जल्दी से थम्स अप करो, समझ में आए यस सर, बोलो जल्दी से एक बार, जितने भी बच्चे हैं सब एक बार यस सर बोलो। पेट्रोल हवा का मिश्रण यहां पहुंच गया, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब मान लो ये थ्रोटल वाल्व का क्या काम है, पेट्रोल हवा की मात्रा को नियंत्रित करना, पेट्रोल प्लस एयर की मात्रा का नियंत्रण
पेट्रोल तथा हवा की मात्रा का नियंत्रण कौन करेगा? थ्रोटल वाल्व करेगा। यस या नो? हाँ या ना बोल दो एक बार। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत। देखो सिर्फ कमेंट यस का करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखना है, ठीक है? इतना ध्यान दो। क्लियर हो गया? समझ में आई बात यहां तक? आगे बढ़े। अब मान लो कि आपका इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा, सर्दियां पड़ रही कटकटा के बहुत भयंकर तरीके से। अगर सर्दियां बहुत भयंकर तरीके से पड़ रही हैं तो फिर अब आप क्या करोगे भाई? अब आप कर दो चौक वाल्व लगा दो। कौन सा वाल्व लगा दो भाई? आप भाई चौक वाल्व लगा दो। चौक वाल्व भाई, चौक वाल्व से होगा क्या? ऊपर की हवा रुक जाएगी। बोले सर हवा अगर पूरी तरीके से रुक जाएगी तो एयर और पेट्रोल जाएगा नहीं, पेट्रोल बिना हवा के जलेगा नहीं। अरे भाई रुको, उसके लिए भी है, ये है एयर पॉट। एयर पॉट, पॉट का मतलब होता है छिद्र। ये एक छेद बना रखा है, इसमें से उतनी हवा जाएगी जितने में कि हल्की मात्रा में पेट्रोल क्या हो जाए, जल जाए। तो बोला सर पेट्रोल, अब क्या देखो ये बंद हो गया, पिस्टन को चलाओ, टीडीसी से बीडीसी ले जाओ भाई, टीडीसी से बीडीसी ले जाओ पिस्टन। पिस्टन झटके से कहां जाएगा? नीचे खींचेगा, ऊपर तो हवा रुक गई। अब क्या होगा? अब दबाव किस पर पड़ेगा? नोजल पर। नोजल पर दबाव पड़ेगा तो क्या होगा? यहां से अत्यधिक मात्रा में क्या आएगा? पेट्रोल आएगा। तो चौक सर्किट में अधिक मात्रा में हम किसको लेते? पेट्रोल को ले लेते हैं, और ये पेट्रोल सीधा का सीधा सिलेंडर के अंदर चला जाता है, और जैसे ही सिलेंडर के अंदर जाता है तो शक्तिशाली विस्फोट होता है। तो चौक वाल्व से हमें अधिक पेट्रोल मिलता है। यहां एयरपोर्ट जो है वो आपका क्या है, जो हवा जो आ रही है ना, हवा उसको रोक देगा चौक वाल्व, और एयरपोर्ट से थोड़ी सी हवा इसके अंदर जाएगी जितनी जरूरी है, और इंजन आपका स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ठंडे इंजन को स्टार्ट करने के लिए किस सर्किट का प्रयोग किया जाता है? बोला चौक सर्किट का। बोला चौक सर्किट क्या कार्य करता है? बोला चौक सर्किट हवा की रास्ते को रोक देता है, हवा के मार्ग में रुकावट पैदा कर देता है। समझ में आ रही नहीं आ रही? एक बार यस सर बोलो। यस सर बोलते जाओ, है ना? अब देखो आगे की पॉइंट पर, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट आपसे क्या कहता है कि भाई मान लीजिए आप कहीं पर स्थिर, मतलब आप किसी सिग्नल पर जाकर के रुके हुए हैं, फिर भी इंजन क्या है, स्टार्ट है, और आपने थ्रोटल वाल्व पूरी तरीके से छोड़ दिया, यानी थ्रोटल वाल्व है इस समय पर आपकी क्लोज वाली स्थिति में, क्लोज वाली स्थिति में थ्रोटल वाल्व है आपका, थ्रोटल वाल्व है क्लोज में। ये क्या है? थ्रोटल वाल्व, थ्रोटल वाल्व ये कौन सी स्थिति में भाई? ये क्लोज में, बंद है भाई, बंद है। तो बंद स्थिति में गाड़ी को चालू बनाए रखने के लिए क्या काम करेंगे भाई? मान लो ये क्या हो गया, यहां पर चलते हैं अगले इस वाले चित्र पे आ जाते हैं ना, और आगे चले। हाँ, हमने इस थ्रोटल वाल्व को क्या कर दिया? बंद कर दिया। मान लो हमने इस थ्रोटल वाल्व को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। क्लोज कैसे करोगे भाई? ऐसे रख दोगे तो क्लोज हो जाएगा। बोलो यस या नो? क्लोज हो गया। क्या क्लोज हो गया? थ्रोटल वाल्व क्या हो गया? क्लोज, क्लोज। बोलो हाँ या ना? अगर मैंने थ्रोटल वाल्व क्लोज कर दिया, उस समय पर भी मुझे अपनी गाड़ी को स्टार्ट बना के रखना है, चालू बनाए रखना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? ये आइडियल स्क्रू है ना, आइडियल स्क्रू, इसको उतना ही खोला जाता है जितनी की हमें आवश्यकता है। ज्यादा नहीं खोलेंगे, हल्का सा खोल के रखेंगे। हल्का सा खोलेंगे तो क्या होगा? देखो एक पेट्रोल जाने का रास्ता तो ये, एक पेट्रोल जाने का रास्ता ये, यहां से कुछ मात्रा में पेट्रोल जाएगा, कुछ मात्रा में हवा, हवा और पेट्रोल, कुछ मात्रा में पेट्रोल इधर से आ जाएगा, कुछ मात्रा में हवा इधर से आ जाएगी, दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे और यहां पर एयर और पेट्रोल का मिश्रण आ जाएगा। कौन सा? लो कैटेगरी का, कमजोर प्रकार का, कमजोर मिश्रण आएगा, मिश्रण आएगा, जो क्या काम करेगा? गाड़ी को उसकी आइडियल स्पीड पर चालू बनाए रखेगा। अगर आपके पास जो व्हीकल है उसको बिल्कुल आइडियल स्पीड, ना तो स्पीड ज्यादा ना स्पीड कम, केवल गाड़ी दुचुर 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 दुचुर, पिस्टन जो है थोड़ा बहुत फपचिक भपचिक भपचिक चलता रहे, स्पीड नहीं पकड़े, केवल इंजन चलता रहे, समझे मेरी बात को? तो केवल उतनी स्पीड चाहिए जितनी कि हमें केवल गाड़ी को चालू बनाए रखना है, और कुछ नहीं करना है, केवल आइडियल स्पीड पर रखना है। तो हम क्या करेंगे? आइडियल स्पीड की सेटिंग कर देंगे। अगर मान लो ज्यादा खोल दिया तो
फिर जो ज्यादा तेज तेज चलेगा, ज्यादा तेज तेज चलेगा तो खपत ज्यादा होगी, कम खोला तो थोड़ी देर चलेगा फिर गाड़ी बंद हो जाएगी। तो इसको भी मिस्त्री से सही सेट करा के रखना चाहिए। और ये किस पर लगा होता है? आइडियल सर्किट पर लगा होता है ना। इसे इस सर्किट को क्या नाम देते हैं? आइडियल सर्किट, जिसमें सारे कनेक्शन ऊपर के कट जाते, सिर्फ ये हो जाता है। क्लियर है? बोलो हाँ या ना, यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? अरे यहां तक बात समझ में आई है तो अगली पॉइंट को मैं बात में आपको समझाने वाला हूं। मैंने आपको क्या क्या बता दिया? मैंने थ्रोटल वाल्व बता दिया, मैंने आपको चौक वाल्व बता दिया, मैंने आपको वेंचुरी नली के बारे में बता दिया, मैंने आपको नोजल के बारे में बता दिया। एयर क्लीनर हवा को साफ करने का काम करेगा, जो भी हवा सिलेंडर में मतलब इंजन में प्रवेश करेगी उसको साफ करने का काम करेगा। और ये कहाँ लगा होता है? एयर होस पर लगा होता है एयर क्लीनर। ये सारी बातें मैंने आपको बताई। अब रह रहा है आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज, फ्लोटर चैम्बर। ये क्या काम करेगा फ्लोटर चैम्बर? ध्यान सुनो, आपकी टैंक होता है ऊपर, कार्बोरेटर होता है नीचे, ग्रेविटेशन से पेट्रोल आता है यहां तक। अगर मान लो मैं इसको बीच में नहीं लगाता हूं, सपोज देन मैं इसको बीच में नहीं लगाता हूं, तो फिर क्या होगा? तो भाई फिर कुछ इस प्रकार की घटना होगी जिसको समझना। पेट्रोल डायरेक्ट यहां से गाड़ी आपकी खड़ी होगी, उस टाइम पर अंदर तक पहुंच जाएगा और खतरनाक खत्म हो जाएगा। यानी पेट्रोल रुक नहीं सकता पेट्रोल टैंक के अंदर, वो नीचे आ जाएगा। तो फिर क्या लगाना पड़ता है भाई? फ्लोटर चैम्बर। ये मैंने एक प्रकार का यहाँ फ्लोटर चैम्बर लगा रखा। ध्यान सुनो, इसके अंदर आपको एक बीच में चौकोर डिब्बी दिखाई दे रही है ना। इसको बोला जाता है फ्लोट। इसको क्या बोला जाता है? फ्लोट। ये फ्लोट कैसी होती है? हवा भरी डब्बी। हवा भरी डब्बी होती है। डब्बी डब्बी मतलब समझते हो? बॉक्स डब्बी, ऐसा भी हो भगवान जाने, तुम देख लेना अपने हिसाब से। हवा भरी डब्बी है, तैरने का काम करेगी। किस पर? पेट्रोल पर। भाई पेट्रोल की सतह पर ये क्या काम करेगी? भाई सोचो जरा दिमाग से, ये पेट्रोल की सतह पर तैरने का काम करेगी। अब ध्यान समझना, अगर यहां से पेट्रोल कंज्यूम होता रहा, यहां से पेट्रोल के कंज्यूम होता रहा, यहां से पेट्रोल जाता रहा, इस नोजल से पेट्रोल निकलता रहा, तो यहां से पेट्रोल का टैंक से पेट्रोल, यहां से पेट्रोल कम होता जाएगा, तो यहां टैंक से निश्चित मात्रा में पेट्रोल इसके अंदर आता रहेगा। बोलो हाँ या ना? इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? भाई पेट्रोल यहां कंज्यूम हो रहा है तो यहां से पेट्रोल आएगा और यहां से पेट्रोल यहां पहुंच जाएगा ऊपर टैंक से, इस तरह के तरीके से। लेकिन मान लो, सपोज देन, अगर मान लो इंजन चलना बंद हो जाए, खड़ी होगी गाड़ी, तो पेट्रोल की खपत कम हो जाए, बंद हो जाएगी, पेट्रोल की खपत कम बंद हो जाएगी, तो ये एक लेवल तक भर जाएगा। और लेवल तक भरने के बाद में ये वाला जो हिस्सा है वो क्या हो जाएगा भाई? ये वाला हिस्सा ऊपर की साइड प्रेशराइज हो जाएगा, ये वाला हिस्सा ऊपर की साइड प्रेशराइज हो जाएगा, प्रेशराइज हो जाएगा ऊपर की साइड, और ये क्या हो जाएगा? ऊपर जाकर के इसको क्या कर लेगा? बंद कर लेगा, क्लोज कर लेगा। इसको क्या कर लेगा? क्लोज, क्लोज। और ये ही क्या होता है? ओपन। ओपन कब होता है? जब पेट्रोल की खपत होती है तो ओपन होगा, और जब पेट्रोल की खपत होना बंद हो जाएगी तो ऊपर की साइड जाके इसको क्लोज कर लेगा। कुछ इसको मैं और सरल शब्दों में बना दूं तो सरल शब्दों में आपके लिए इसको कुछ इस प्रकार से और बना सकता हूं। बोलो हाँ या ना? ये बड़े इंजनों में लगता है थोड़ा सा। ये लीजिए एक डब्बी मैंने इसके अंदर डाल दी। देखो देखो, ये भी फ्लोट है, ये भी क्या है? फ्लोट है, और ये भी फ्लोटर चैम्बर है। पेट्रोल अगर यहां से जाता रहा, पेट्रोल अगर यहां से जाता तो ये देखो, ये देखो, पेट्रोल यहां से अगर जाता रहा तो ये हमेशा नीचे बनी रहेगी और ऊपर से पेट्रोल आता रहेगा। अगर मान लो पेट्रोल की खपत जाना बंद हो गया तो ये कहां चली जाएगी भाई? ये ऊपर चली जाएगी और रास्ते को क्या कर देगी? क्लोज। तो ऊपर जाएगी तो क्लोज और नीचे आएगी तो? बोलो यस या नो, ये समझ में आया नहीं आया? भाई ये भी एक फ्लोटर चैम्बर है, ये भी एक क्या है? फ्लोटर चैम्बर है, और ये भी क्या है? फ्लोटर चैम्बर है। बताओ यस या नो, बात समझ में आ गई? तो फ्लोटर चैम्बर का क्या काम है? पेट्रोल को पेट्रोल टैंक से सिलेंडर में सीधे नहीं जाने देना, बीच में रोक कर रखना, जितनी आवश्यकता उतना पेट्रोल जाता रहेगा, बाकी चीजें चलती रहेंगी। एयरपोर्ट का क्या काम है? ध्यान सुनो, एयरपोर्ट जब ऊपर के सारे रास्ते बंद हो जाते तो हल्की हवा देने का काम करता है। वो आइडियल स्पीड सेटिंग का क्या काम है भाई? जब गाड़ी का थ्रोटल वाल्व बंद हो उस समय पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में पेट्रोल दे देना ताकि गाड़ी आइडियल स्पीड पर चालू बनी रहे।
बोला सर चौक वाल्व का क्या काम है? जब चौक लगा देते हो तो हवा के रास्ते को रोक देता है, जिससे कि पेट्रोल की अधिक मात्रा जाती है, हवा की कम मात्रा जाती है, यानी ठंडे इंजन को स्टार्ट करने का काम है। ठीक है, वेंचुरी नली का क्या काम है? जो हवा आती है उस हवा के प्रेशर को बनाना, दाब को बनाना, है ना कि नहीं? वेंचुरी नली, अगर वेंचुरी नली नहीं होगी तो क्या होगा आपका, हवा का प्रेशर जो है नहीं बनेगा, जिससे नोजल से क्या नहीं निकलेगा, पेट्रोल नहीं निकलेगा, डीजल नहीं निकलेगा। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा आज की क्लास में। मैंने कार्बोरेटर के सिद्धांत समझाया, कार्बोरेटर के बारे में बहुत सारी जानकारी दे दी। इसकी पीडीएफ आपको चाहिए होगी मुझे लग रहा है ना, क्योंकि आज मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं समझाई हैं ऐसी, जो जो कि आपको चाहिए भी होंगे ना। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसी क्लास के अंदर पहले कमेंट के अंदर पिन करवा देता हूँ अभी, है ना। तो आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे नई जानकारी से, नई चीज़ों के साथ में। ओके, गुड बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और मेरे कोर्सेज वगैरह में जुड़ना ना भूलें, जो कोर्सेज हमारे चल रहे हैं इस समय पर। 2 सेकंड रुकना, एक तो 399 का न्यूमेरिकल का स्पेशल बैच है, जिसमें न्यूमेरिकली पढ़ाए जाते हैं। इसके साथ साथ बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का बैच है, 499 रुपये का है। इसको आप बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग ड्राइंग का कोर्स आप ले सकते हैं 499 रुपये में। और कंप्लीट कोर्स जिसमें थ्योरी भी चाहिए, साइको भी चाहिए, टेली एग्जाम वैलिडिटी चाहिए, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लासें रेगुलर चलती रहें, वो सारी चीज़ें चाहिए, तो ALP कंप्लीट कोर्स में जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे नई जानकारी से, नई चीज़ों के साथ। ओके, गुड बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।